तो भैया सोनी ने नया फोन मार्केट में अपना लॉन्च करने की तैयारी कर ली है, जिसका नाम है सोनी एक्सप्रिया प्रो वन, यानी कि कैमरा भी प्रो होने वाला है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह हम आपके लिए लेटेस्ट अपकमिंग फ़ोन के बारे में जानकारी लाते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात, इसमें इसका डिस्प्ले जो है कंपनी ने OLED डिस्प्ले दिया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि अभी तक AMOLED डिस्प्ले ही सब में रहता था। और साथ ही कंपनी ने इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया, यानी कि कोई भी ब्राउजिंग फीचर्स जो भी हो तो काफ़ी अच्छा होने वाला है। इसकी साइज की बात करें तो 6.5 इंचेस की पूरा फुल स्क्रीन है इसका, और इसमें प्रोटेक्शन के लिए कंपनी ने गोरिल्ला ग्लास का विकसित दिया है। कंपनी ने इसमें एंड्रॉयड 11 दिया है, जिससे मतलब ये अभी तक का लेटेस्ट एंड्रॉयड चल रहा है। प्रोसेसर की बात करें तो कंपनी ने इसमें क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 888 5G दिया है, जो कि अभी तक स्नैपड्रैगन सबसे लेटेस्ट वर्जन है। और इसके चिपसेट की साइज की बात करें तो ये 5 nm का है। GPU में कंपनी ने एंड्रीनो 660 दिया है, जो कि गेमिंग के लिए काफ़ी अब तक का सबसे लेटेस्ट चीज़ है, जिसके कारण गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होने वाला है। कंपनी ने इसमें स्टोरेज के लिए 12 GB रैम के साथ 512 GB रैम दिया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। कंपनी ने इसमें क्वाड कैमरा सेटअप दिया है, जो कि पहला कैमरा है 12 MP का, जो कि वाइड के लिए है। सेकेंड है 12 MP, जो कि टेलीफोटो के लिए है। थर्ड है वो भी 12 MP का, जो कि अल्ट्रा वाइड के लिए है। और आखिरी कैमरा है जो है 13 MP का, जो कि डेप्थ फोटोशूट के लिए है। इसके साथ ही आप इसमें 4K रिकॉर्डिंग, 8K रिकॉर्डिंग, स्लो मोशन सब कुछ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी खासी बात इसमें दी है। बात करते हैं फ्रंट कैमरा की। कंपनी ने इसमें 8 MP का फ्रंट कैमरा दिया है। वैसे तो 8 MP काफ़ी कम है, लेकिन सोनी कंपनी ने दिया है तो जरूर कुछ अच्छा ही दिया होगा। 8 MP भी काफ़ी होगा, इससे आप 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। बात करते हैं इसमें फिंगरप्रिंट की, तो कंपनी ने इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट दिया है, साथ ही एक्सेलेरोमीटर, गायरो सेंसर, प्रोक्सीमीटर, बैरोमीटर, कंपास, ये तरह के सब सेंसर कंपनी ने दिया है। बैटरी की बात करें तो कंपनी ने इसमें 4500 mAh की बैटरी दी है, जो कि 30 वाट के फास्ट चार्जर के साथ सपोर्ट करता है। और कंपनी का कहना है कि 50% फोन को चार्ज होने में 30 मिनट का टाइम लगेगा। तो आपको कैसा लगता है कि आप सोनी का मोबाइल ये सक्सेस करेगा? तो सोनी का मोबाइल सब सक्सेस करता ही है। तो आपकी क्या है, आप कमेंट जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें।